आपने काफी कुछ शेयर भी किया। एक क्वेश्चन आता है सर, एक मार्केटिंग में प्रॉब्लम होता है कि हम लोग सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे बहुत सारे हमको ऐड सीखते हैं कभी। जैसे आपने बताया कि आप शेयर मार्केट के लिए बोल रहे हो आप, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बोल रहे हो, बहुत सारे ऐड सीखते हैं, तो एक एक मंकी माइंड वाली चीज जाती है कि यार कभी ये चीज दिख रही है तो वहां पे हमको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम वाली चीज के यार वहां पर चले जाए, ये कर लें वो कर लें, तो उससे कैसे बचा जाए। देखिए, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खेल रहा है, हो सकता है कि कल वो कल न्यूज़पेपर पढ़े और उसने देखा कि रॉजर फेडरर तो टेनिस में ज्यादा रुपया कमा रहा है, क्रिकेट में तो रुपया नहीं है, और जो कबड्डी खेल रहा है वो कह रहा है कबड्डी में तो कुछ है नहीं, यहाँ तो ऑडियंस आती नहीं है, अपना क्रिकेट खेलने चलो। तो आप जिस भी प्रोफेशन में होते हो, ये हर एक प्रोफेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि हमको लगता है कि दूसरे प्रोफेशन में ज्यादा रुपया है या फिर ये ज्यादा बेटर है, और यही शाइनी, इसको बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट, और इसी को बोलते हैं मंकी माइंड। ओके, हाँ और ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन और या बहुत ज्यादा हो गया ये, बिकॉज हम देख सकते हैं कि दूसरे प्रोफेशन के लोग क्या कर रहे हैं। हम नेटवर्क मार्केटर होते हुए एफिलिएट मार्केटर के वेबिनार में घुस गए, कभी किसी और के वेबिनार में घुस गए। तो देखिए, अल्टीमेटली अगेन आई रिपीट कि गो इनटू लो इन्फॉर्मेशन डाइट और फोकस ऑन योर वन थिंग, और हमारे वन थिंग है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कुछ चीजें सीख रहे हो आप, यूट्यूब सीख रहे हो, दैट इज फाइन, ओके, बट आपको कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने ये रीजन यही है लो इन्फॉर्मेशन डाइट बोलने का, कि अगले 6 महीने तक जस्ट कंसिडर कि आप एक आईटी की तैयारी कर रहे हो, अब आपको नहीं सोचना है कि चार्टेड अकाउंटेंट के पास ज्यादा रुपया आता है, आप इंजीनियर तो इंजीनियरिंग की ही आप तैयारी करो, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत रुपया है। कल अगर नेटवर्क मार्केटिंग से ध्यान हटा और आपने देखा कि अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग में वो कोई बंदा है, एग्जाम्पल कोई बंदा जैसे जर्मनी का है, उसने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, तो आप बोलोगे यार नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ी, वापस नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये हमेशा रहेगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि फोकस ऑन ओनली वन थिंग, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। यूट्यूब एक इनकम स्ट्रीम बन गई, जो लिस्ट में लोग हैं वो भी एक, मतलब आप टूल को पिच करके जो भी अलग तरीके से कमा सकते हो, बट मेन थिंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे ही फोकस करना होगा। और आप कोई भी काम करो, स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। एफिलिएट मार्केटर हो तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ या कुछ। जो लोग एक ही चीज को लगातार करते रहते हैं, जैसे आपको पता है ना, कंपाउंडिंग मनी में भी क्या होता है कि आप कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, बिजनेस में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। अगर हम, इसीलिए मैं आपको क्या बोला, 6 महीने, अगर आप अगर 1 महीने 2 महीने लगातार कंटेंट बनाते हो, अपने डिजिटल अवतार बनाते हो और फिर आप भटक जाते हो, तो आपकी पुरानी मेहनत भी बेकार हो जाती है। बट ये एक ट्रेन का डिब्बा है जो कि अगर एक बार ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, इंजन बंद भी हो जाए, तो पीछे के डिब्बे उसको धक्के मारते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। सो मैं आपको बोलूंगा, फोकस ऑन वन थिंग, पुट एफर्ट टुडे, और 6 महीने 1 साल के अंदर आप देखोगे कि वो पुराना एफर्ट भी आपको धक्का मार के, आपका मन करेगा मैं काम नए भी करूं, फिर भी वो इंजन चलता चले जाता है। तो ये तो डिसिप्लिन से ही हो सकता है। आपको लगता है कि इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन ऑफ करो, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑफ करो, इवन यूट्यूब पे, बल्कि मैं बोलूंगा कि यूट्यूब प्रीमियर खरीद लो, क्यों? ऐड ही ना आए, 249 रुपीज पर मंथ होता है फैमिली प्लान, कोई ऐड ही ना आए तो यू विल नॉट डिस्ट्रैक्टेड, जो आप देखना चाहते हो वही देखोगे। तो दैट्स ऑल अबाउट माय सेल्फ। काफी इंटरेस्टिंग था सेशन, एंड काफी इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।